आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं हर वीडियो में कुछ नया लेकर के आता हूं और नई चीज़ आपको सिखाता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कीवर्ड कैसे निकालने होते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक हो उसके कुछ अपने की पॉइंट होते हैं। अगर आपने की पॉइंट पकड़ लिए तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही हद तक सही होने लगेंगे, क्योंकि जो की पॉइंट होते हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप लोग किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं और हूबहू लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर आपको की पॉइंट पता होंगे वो लंबे समय तक आपको याद रहते हैं। और दूसरा, आप उन की पॉइंट से लेकर के आप अपने जो सेंटेंस अपना पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आज आपको यही सिखाऊंगा कि आपको की पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, और साथ में हम लोग जो 7th क्लास की NCERT है इसको भी कवर करेंगे। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले, मैं हूं अरजय सिंह और ये अपना चैनल क्लब IAS फ्रेंड। हम लोगों ने एक 1 ईयर का प्रोग्राम लॉन्च किया जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें हम लोग टारगेट करेंगे प्रीलिम्स 2021 और 2022 को। अगर आप लोग इस प्रोग्राम के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने फुल इन्फॉर्मेशन दी है। आज का जो हमारा टास्क है वो टास्क नंबर 2 है, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी की जो NCERT है क्लास 7th की। हम लोगों ने जो ज्योग्राफी की 6th क्लास की NCERT है उसे कवर कर लिया है, और मैंने इस पर वीडियो भी बना दी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने उसे देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग बाद में जा कर के देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम 7th क्लास की जो NCERT है उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं, इस पर मैं पूरी फुल वीडियो बनाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसे पढ़ना है और नोट्स कैसे बनाने हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी NCERT है क्लास 7th की, इसका नाम है हमारा पर्यावरण। ओके, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर दिए रखे हैं। इस NCERT में भी लगभग में उतने ही चैप्टर हैं जितना हमारी 6th क्लास की NCERT में थे, और इसमें पेज भी 78 हैं, और इसको पढ़ने के लिए मैंने 2 दिन का टाइम दिया था। अगर आप लोगों ने 4-4 घंटे भी अगर दिया होगा तो आराम से इसको कवर कर लिया होगा बिना किसी परेशानी के। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं लेसन 1 से, जिसका नाम है पर्यावरण। अब देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि ये NCERT है, ये स्टूडेंट जो स्कूल टाइम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बनाई गई है, तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। देखिए, इसीलिए इसमें स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी दी रखी है। इसमें बताया गया है कि एक लड़का होता है जो गर्मियों की छुट्टी में अपने घर से चला गया होता है, लेकिन जब वो बाद में लौट के आता है अपने स्कूल तो रास्ते में वो देखता है कि एक मैदान में खुदाई हो रही होती है, और बाद में उसको पता चलता है कि यहाँ पर अब बड़े बड़े फ्लैट बनेंगे, और वहाँ पर ही उसका एक मैदान होता है खेल का। तो वो बाद में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अगर यहाँ पर ये फ्लैट बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान बन जाएंगे, तो मैं कहाँ खेलूँगा, और साथ में यहाँ पर जो भी जीव जंतु रहते थे और यहाँ का जो पर्यावरण था, मुलायम घास थी, ये आखिर इसका क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगी, वो कहाँ चली जाएगी। तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। और देखिए, जब वो स्कूल पहुँचता है तो उसके प्रधानाचार्य कहते हैं, बहुत ही उदासी के साथ कहते हैं कि कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो यानी कि इनका उद्देश्य यही था कि आपको पर्यावरण एक वर्ड दिया जाए और उसको समझाने की कोशिश किया जाए कि हमारा पर्यावरण है वो कैसे बदल रहा है, अब आप पर्यावरण के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तब आप इसमें बताइए कि वो स्टूडेंट है, जब वो अपनी कक्षा में पहुंचता है तो वो अपने टीचर से पूछता है कि सर ये पर्यावरण क्या है। तो टीचर बताते हैं कि जो भी हम चारों ओर अपने देखते हैं वही पर्यावरण है। ओके, तो यहाँ पर एक आपको एक डेफिनेशन मिल गई। ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उनमें भी आप बता सकते हैं, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी जितना सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे आप और जितना सटीक होगा उसमें जो की पॉइंट होते हैं वो अगर आपने ऐड किए हैं तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे दोस्तों। ओके, जो मेन कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, उसके कुछ की पॉइंट होते हैं, उन्हें आपको स्किप नहीं करना है। आप सेंटेंस कैसे भी बनाकर लिख सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं कि जैसा आपने हूबहू किसी बुक में पढ़ा है वैसा ही सेंटेंस दें, आप सेंटेंस अपने दर से भी बना सकते हैं, लेकिन की पॉइंट ज़रूर होने चाहिए जो मेन होते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको एक की पॉइंट मिलेगा कि आपके चारों ओर जो भी है वो सभी पर्यावरण है। ओके, एक की पॉइंट है। अब यहाँ पर जब रवि होता है वो ऐसा सुनता है कि हमारे चारों ओर जो भी है वो सभी पर्यावरण है, तब वो अपने टीचर से कहते हैं, इसका मतलब क्या, जो हमारा स्कूल है, भवन है, मेज कुर्सी और हमारे क्लास में रखी गई जो कुर्सी है, यहाँ तक कि जो सड़क, मैदान, कूड़ा करकट और मेरे जो दोस्त हैं, या ये सभी क्या पर्यावरण के अंग हैं। तो टीचर कहता है हाँ। अब देखिए, यहाँ पर कितने सिंपल तरीके से समझाया गया है कि कुछ भी है जो भी आप देखते हैं वो सभी पर्यावरण का अंग है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप लोग ये NCERT नहीं पढ़े होते हैं तो आप कई बार ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अगर ऐसे पूछा जाता है कि कूड़ा करकट होता है
ये भी क्या पर्यावरण का एक हिस्सा है। तो आप हो सकता है आप सोचते हैं ये तो प्रदूषक है, ये कैसे हो सकता है इसका हिस्सा, ओके, तो आप इसको नहीं लगाते। तो ये देखिए ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे वो कहावत है ना दोस्तों, जो काम सुई कर सकती है वो काम कभी तलवार नहीं कर सकती, ओके। तो कभी भी हमें ऐसी छोटी जो हमारी 6th 7th की NCERT हैं वो भी पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें ये NCERT क्यों पढ़नी चाहिए, ओके। अब देखिए शिक्षक ने कहा हाँ ये सारे जो चीज़ें हैं ये सभी हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं, लेकिन टीचर यहाँ पर एक बात और ऐड करते हैं और बताते हैं कि जो पर्यावरण है उसका निर्माण दो तरह से हो सकता है, या एक प्राकृतिक रूप से, जैसे कि जो पर्वत पठार मैदान हैं पेड़ पौधे हैं ये सभी प्राकृतिक रूप से होते हैं, और दूसरा मानव निर्मित, ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सड़क कार जो भी मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है वो सभी मानव निर्मित पर्यावरण में आता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नदी होता है दोस्तों, पेड़ होते हैं, ये मानव के द्वारा भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दे दिया, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को गलत ना करें, ओके। तो नदी जो है अब खुदाई करके भी बनाई जा सकती है नदी, और पेड़ होते हैं, पेड़ अगर हम लगाते हैं तो वो मानव निर्मित होते हैं, ओके, जैसे कि जो बागान होते हैं और जो हम फसलों जो फसल हम उगाते हैं वो सभी प्राकृतिक में नहीं आती हैं दोस्तों, ओके, वो मानव निर्मित में आती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये डायग्राम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे और ये बहुत कुछ आपको समझाएगा। यहाँ पर इसमें बताया गया है कि पर्यावरण के घटकों के बारे में, ओके, जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है वो कितने हैं, तो इसमें बताया गया पर्यावरण के 3 घटक हैं, नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 मानव निर्मित, और नंबर 3 मानव। इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि मानव भी पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है, ओके, तो मानव जो इंडिविजुअल है वो भी पर्यावरण का एक प्रमुख घटक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, कई बार इसके ऑब्जेक्टिव में दिया रखा होता है, आप अगर अब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ओके। अब देखिए यहाँ पर बताया गया जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसमें भी इसके 4 घटक होते हैं, जैसे कि नंबर 1 इसमें दिया गया है जल, यानी कि जल से जो मिलकर बनता है उसको जलमंडल बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब दोस्तों इंग्लिश के भी जो वोकैब होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, इसलिए उन्हें भी आप नोट करते चलिए, ओके। तो जो हाइड्रोस्फीयर इसको बोलते हैं, और वायु से मिलकर के वायुमंडल का निर्माण होता है जो पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण सा बनाए रखता है, ओके। इसके लिए हम सभी लोग जानते हैं कि इसके लिए एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और इसी तरह जो स्थलमंडल होता है इसको एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर ये तीनों दोस्तों मिलते हैं, जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं वहाँ पर संजीव मंडल या फिर जैव मंडल, और इंग्लिश में इसको बायोस्फीयर कहते हैं, ओके, वहाँ पर बायोस्फीयर का निर्माण होता है। इसी तरह आप देख सकते हैं मानव निर्मित जो पर्यावरण होता है उसमें मानव के द्वारा निर्मित कोई भी चीज़ होती है वो सभी इसमें आती है, ओके, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मानव है, मानव एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, मानव मिलकर के एक परिवार का निर्माण कर सकते हैं, मानव होते हैं जब बहुत सारे परिवार आपस में मिलते हैं तब एक समुदाय का निर्माण होता है, और एक मानव होता है दोस्तों उसकी एक धार्मिक पहचान भी हो सकती है, और जो मानव होता है वो उसकी एक शैक्षणिक संस्थान भी हो सकती है, उसकी कुछ आर्थिक क्रियाएं भी होती हैं, और उसकी एक राजनीतिक स्थिति होती है। राजनीतिक स्थिति का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि हम कौन हैं, हम भारतीय हैं, आप चाइनीजों को देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि वो चाइनीज हैं, ओके। तो हर किसी की एक विशेष राजनीतिक स्थिति होती है, जैसे कि हम उन्हें उनकी बोलचाल उनके पहनावे से पता कर सकते हैं कि ये कहाँ के हैं, उनकी क्या राजनीतिक स्थिति है, ओके। तो आप इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे पूछ लेता है जो राजनीतिक स्थिति है या फिर आर्थिक क्रियाएं हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, ओके। तो आर्थिक क्रियाएं मानव के अंतर्गत आती हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, या फिर प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, ओके। तो आपको ये पता करना पड़ेगा। अब देखिए इस NCERT में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट दिया रखा है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट मिलता जाएगा। हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम अगर इसको पढ़ा हो तो आपने कई सारी चीज़ें स्किप कर दी हूँ, लेकिन वो इस अभी मैं आपको कवर कर दूँगा, इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अब देखिए यहाँ पर जो पर्यावरण है उसकी एक डेफिनेशन दी रखी है, हमने ऊपर भी एक छोटी सी डेफिनेशन देखी थी लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे से वाली दी रखी है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक की पॉइंट दिया रखा है, इसमें बताया गया कि जो भी जीवित प्राणी होते हैं, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो भी चीज़ें होती हैं उन्हीं सभी को हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण बोलते हैं।
जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे लोग, स्थान, वस्तुएं या फिर प्रकृति है, इसी को पर्यावरण कहते हैं। ओके, तो जो जीवित प्राणी है ये भी एक की पॉइंट है, इसको आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने जीवित प्राणी या फिर अपने चारों ओर या आपके चारों ओर अगर आपने मिस कर दिया तो एक डेफिनेशन होगी वो गलत हो जाएगी। ओके, तो आपको जीवित प्राणी या कुछ ऐसा आपको देना है जिससे ये ठीक रहे। ओके, अब यहाँ पर देखिए बताया गया है इसमें कि जो पर्यावरण है दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण होता है, उसमें जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल है। अब देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से बॉन्डिंग दिखाई गई है, जो संजीव और निर्जीव हैं दोस्तों, इनके बीच में कैसे बॉन्डिंग है, एक हैंडशेक की तरह दिखाई गई, यानी कि ये दोनों आपस में सह संबंध करते हैं दोस्तों। ओके, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, इसका मतलब। ओके, अब देखिए जैसे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो मानवीय पर्यावरण है इसमें बताया गया कि उसमें मानव की परस्पर जो क्रियाएं होती हैं और उनकी गतिविधियां, साथ में मानव के द्वारा निर्मित कोई भी संरचना है, रचना है, उसे शामिल किया गया है किसमें, जो मानवीय पर्यावरण है उसके अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको दिख जाएंगी, जैसे कि जो एनवायरमेंट है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि ये फ्रेंच शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है दोस्तों पड़ोस। ओके, जैसे कि पड़ोस अभी हमने देखा नहीं कि दोस्तों कि अपने आसपास जो भी पाया जाता है या जो आपके आसपास जो भी पाया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं। ओके, तो इसका अर्थ होता ही है दोस्तों पड़ोस। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो प्राकृतिक पर्यावरण है, अब जो ऊपर हमने हेडिंग देखी थी उसको अब एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर काफ़ी अच्छे से। अब इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ही कवर होंगी। अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण क्या आता है, तो हम पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया रखा है और काफ़ी अच्छे से इसमें समझाया, जैसे कि इसमें बताया जो दोस्तों जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल है दोस्तों, और जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं वहाँ पर जैवमंडल का निर्माण होता है। ओके, अब इसका मतलब ये है कि केवल जहाँ पर जल होगा तो वहाँ पर जैवमंडल नहीं हो सकता है, जहाँ पर केवल वायु या फिर स्थल होगा वहाँ पर नहीं हो सकता है, जहाँ पर ये तीनों आपस में मिलते हैं वहाँ पर ही बायोस्फीयर या जैवमंडल का निर्माण होता है। ओके, अब देखिए इसमें एक एक करके सारी चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए स्थलमंडल के बारे में बताया गया कि स्थलमंडल की अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो क्या होगी दोस्तों, तो जो पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत होती है या फिर हम बोल सकते हैं जो पृथ्वी के ऊपर जो क्रस्ट पाई जाती है, परपट्टी पाई जाती है, उसको हम स्थलमंडल बोलते हैं। ओके, और ये स्थलमंडल होता है ये चट्टानों और खनिजों से मिलकर के बना होता है। ये देखिए जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ एक की पॉइंट है। ओके, तो एक की पॉइंट है, आपको कैसे किसी सेंटेंस में किसी पैराग्राफ में की पॉइंट्स देखने होते हैं, तो देखिए जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इन चीज़ों को ही आप अपने शॉर्ट नोट्स में नोट करिएगा और इसमें पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, अब इसमें बताया गया जो स्थलमंडल होता है वो मिट्टी की पतली परत से ढका रहता है, और इसमें आप एग्जांपल दिए जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, ये सभी स्थलाकृतियाँ हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, ये सभी स्थलमंडल पर आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, देखिए कितने सिंपल तरीके से बताया है। अब इन स्थलाकृतियों में यानी कि जो स्थलमंडल होता है वो महाद्वीपों और महासागरों दोनों में पाया जाता है। अगर स्टेटमेंट ऐसे आता है कि हम स्थलमंडल को क्या सागरों में भी देख सकते हैं, तो आप सोचेंगे सागरों में तो जल होता है, वहाँ पर तो जलमंडल होता है, तो स्थल कहाँ से आ जाएगा। लेकिन जल होता है वो भी तो किसी के ऊपर होगा ना दोस्तों, तो वहाँ पर भी स्थलमंडल पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मोटाई कम होती है। नेक्स्ट चैप्टर अभी हम देखेंगे उसमें इसी के बारे में बताइए कि जहाँ पर महासागर होते हैं उनकी औसतन लंबाई एवरेज जो सॉरी लंबाई नहीं दोस्तों मोटाई एवरेज मोटाई होती है वो लगभग में 5 किलोमीटर तक होती है। ओके, और महाद्वीपों पर ये 35 किलोमीटर तक मिल सकती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें नीचे बताई गई हैं, जैसे कि इसमें बताया गया कि दोस्तों जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि जलमंडल किसे कहेंगे, तो जल का जो क्षेत्र होता है उसे जलमंडल कहते हैं। अब आपको लगता होगा कि जलमंडल क्या जो छोटा सा हमारा तालाब होता है उसको भी जलमंडल के अंतर्गत लाया जाता है, तो देखिए उसको भी जलमंडल के अंतर्गत लाया जाता है। देखिए जो नदी होती है वो भी जलमंडल के अंतर्गत आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कुछ लोग सोचते होंगे कि जो बड़ी जलराशियाँ होती हैं सिर्फ उसी को जलमंडल के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन नहीं, अगर कोई झील है, समुद्र है, महासागर है, इनके अलावा जो नदियाँ भी होती हैं दोस्तों वो भी जलमंडल के अंतर्गत आती हैं। ओके, तो देखिए ये सारी ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन आप अगर इन्हें ठीक से देखेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो आप क्वेश्चन गलत लग कर देंगे। ओके, तब यहाँ पर देखिए जो नदी होती है, झील होती है, वो भी जलमंडल का हिस्सा होती है, वो भी जलमंडल होता है। ओके,
अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है, ओके, यह सभी प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि हम जानते हैं पानी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, पानी के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ओके। अब देखिए इसमें अब वायुमंडल के बारे में बताया गया है कि वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो भी वायु का आवरण पाया जाता है उसी को वायुमंडल कहते हैं, ओके। अब देखिए मैंने जो हाईलाइट करा रहा है ये ही क्या है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, ये की पॉइंट है। अब नीचे इसमें बताया गया कि जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी के पास में कैसे रुका रहता है, वो क्यों ब्रह्मांड में नहीं चला जाता है। तो देखिए इसमें बताया गया कि हमारी जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी से लगा रहता है, यानी कि पृथ्वी से वो बाहर नहीं जाता है। अगर हमारी पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता दोस्तों, ये एटमॉस्फेयर है ये बाहर चला जाता, ओके। अब देखिए इसमें बताया है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो एक तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और दूसरा सूर्य से झुलसाने वाली जो गर्मियाँ होती हैं गर्मी से ही हम लोग नहीं रह पाते, और साथ में जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, और बहुत मात्रा में जो सूर्य से किरणें आती हैं उनको परावर्तित कर देता है और अवशोषित भी कर लेता है, जिससे हमें कम गर्मी लगती है, ओके। अब देखिए हम जैसे जैसे इसमें आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इसमें बताया गया जैसे कि गैस हो गया, धूल कण हो गया, जल वाष्प हो गया, ये सारी चीज़ें वायुमंडल में आपको देखने को मिलेगी, ओके। वायु का निर्माण किससे होता है दोस्तों, केवल गैस से नहीं होता है, वायु में का निर्माण क्या क्या होता है उसमें गैसेस होती हैं, ओके। वायु में क्या क्या होते हैं, गैसेस होती हैं, धूल कण होते हैं और जल वाष्प होते हैं, इन तीनों से मिलकर के वायु का निर्माण होता है, ओके। तो वायु में केवल गैस नहीं होती, ओके, क्योंकि बहुत से लोग यही समझते हैं कि जो गैस होती है दोस्तों उसी को वायु बोलते हैं, लेकिन वायु होती है उनमें तीन चीज़ें होती हैं। देखिए आप कितने अच्छे से क्लियर होता जा रहे हैं आपका, और वायुमंडल में ही सभी जो मौसम से संबंधित जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, जैसे कि कोहरा का बनना, बादल का होना, ओके, बारिश का होना, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, वायुमंडल में ही घटित होती हैं, और वायुमंडल की विभिन्न परतें पाई जाती हैं वो आपको अभी देखने को मिलेंगी नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। अब इसी तरह इसमें जैवमंडल के बारे में भी दिया रखा है। अब देखिए इसमें बताया गया जो जैवमंडल होता है वो पादप और जीव जंतु होते हैं, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे दोस्तों, ओके, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या संजीव संसार का निर्माण करते हैं। अब इसमें बताया गया जो जैवमंडल होता है ये पृथ्वी पर बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र होता है, ओके। अगर पूछा जाए जो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत चार चीज़ें आती हैं उसमें सबसे छोटा क्या होता है दोस्तों, जैवमंडल ही होता है, ओके। अब जैवमंडल कहाँ पर पाया जाता है, तो जहाँ पर स्थल, जल और वायु ये तीनों मिलते हैं वहाँ पर दोस्तों जैवमंडल बायोस्फीयर का निर्माण होता है, ये तीनों चीज़ें मिलकर के जीवन को संभव बनाती हैं, ओके। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब इसमें आती है कि परितंत्र, इकोसिस्टम क्या है, और यहाँ पर देखिए कितने सिंपल तरीके से समझाया गया है, और ये डेफिनेशन दे रखी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम रट लेनी है। अब देखिए इसमें कुछ की पॉइंट है, एक अभी भी स्किप नहीं होने चाहिए, अगर एक की पॉइंट आपने स्किप कर दिए तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, ओके। तो इसमें बताया गया है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, देखिए एक की पॉइंट आपको मिला, समस्त जीवधारी आपस में और एक दूसरे के साथ, ओके, आपस में और एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण, ओके, पर्यावरण के कौन से भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ, कौन से कारकों के साथ, भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं या अंतर संबंधित होते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और ये किससे संबंधित होते हैं, तो ये ऊर्जा और पदार्थ होता है उसके स्थानांतरण द्वारा संबंधित होते हैं। अभी ऊर्जा कैसे स्थानांतरण से संबंधित होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि ऊर्जा के स्थानांतरण से कैसे संबंधित होते हैं। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, सूर्य, ओके। अब सूर्य से किरणें आईं, ये एनर्जी आई, अब ये कहाँ मिली दोस्तों, हमारे पेड़ पौधों को, हम जानते हैं हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ओके। और मान लेते हैं ये घास है, इन्होंने प्रकाश से लिया और अपनी एनर्जी बनाई, ओके। अब देखिए ये फर्स्ट श्रेणी का हो गया, दूसरी श्रेणी का मान लेते हैं कोई भी शाकाहारी है, जैसे कि मान लेते हैं बकरी है, ओके, इसने इस घास को खाई, इसने इस घास को क्यों खाया, क्योंकि इसे ऊर्जा की आवश्यकता थी, ओके, इसने खाया और इसको ऊर्जा मिली। अब तीसरा होगा दोस्तों, जैसे मान लेते हैं शेर, ओके, ये मांसाहारी है,
इसने इस बकरी को खाया, इसने इस बकरी को क्यों खाया, क्योंकि इससे भी ऊर्जा की आवश्यकता थी। ओके, तो ये किस तरह से संबंधित है दोस्तों, ऊर्जा, यानी कि इसने इसको ऊर्जा दी और इसने इसको ऊर्जा दी। इसी तरह अगर और भी श्रेणियाँ आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। ओके, अब इनको भी कोई ना कोई, जैसे अब इनको भी कोई ना कोई नष्ट करता होगा, जिसको अपघटक बोलते हैं, वो इन तीनों को दोस्तों डीकम्पोज करते हैं और डीकम्पोज करके फिर से पेड़ पौधों को क्या देते हैं दोस्तों, एनर्जी देते हैं। ओके, अभी किस तरह से आप समझ गए होंगे कि पदार्थ और ऊर्जा से कैसे संबंधित होते हैं। अब चलिए हम लोग अपने इधर आते हैं। अब इसमें बताया गया तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अब नीचे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी इसमें। अब आप लोग देखिए ये पैराग्राफ है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक PCS का भी क्वेश्चन आया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें बताया गया दोस्तों सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु। ओके, उसमें देखिए हमने जो ऊपर डेफिनेशन देखी थी उसमें पादप बोला था, इसमें पेड़ पौधे, यानी कि आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, बस आपके की पॉइंट नहीं जाने चाहिए। ओके, तो पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ओके, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, जैसे कि उसमें बताया गया था। ओके, अब जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। ओके, और अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत और झील, नदी, ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। और छोटे से छोटा जो ताल होता है उसका भी एक परितंत्र हो सकता है। इसी तरह दोस्तों वो उसमें पूछा गया था PCS के पेपर में, जो रेगिस्तान और ताल, इन चीज़ों का क्या अपना एक परितंत्र हो सकता है। उन लोगों ने गलत, बहुत से स्टूडेंटों ने गलत कर दिया था। उन्हें लगा रेगिस्तान का अपना परितंत्र कैसे हो सकता है, वहाँ पर तो सब कुछ बंजर होता है। लेकिन एक रेगिस्तान होता है दोस्तों, उसका भी एक अपना परितंत्र हो सकता है, इकोसिस्टम हो सकता है। एक छोटा सा ताल है, ताल का मतलब बहुत ही कम, छोटा सा है दोस्तों, उसका भी एक अपना परितंत्र हो सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, एक छोटा सा मैदान है, कोई पार्क है या कुछ भी है, झील है, नदी है, सभी चीज़ों का एक अपना परितंत्र हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को गलत नहीं करना है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया मानवीय पर्यावरण के बारे में, अभी हम लोग देख रहे थे वो प्राकृतिक पर्यावरण था। इसमें बताया गया कि जो मानव है वो पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। और इसमें एक स्टोरी बताई गई है, जैसे प्रारंभिक मानव था वो स्वयं को पहले प्रकृति के अनुरूप बना लेता था, लेकिन अब क्या है दोस्तों, अब एकदम डिफरेंस है। अब क्या है, अब हमें गर्मी लगती है तो हम लोग पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। अगर हम लोगों के लिए अब ठंड लगती है तो हम लोग ब्लोअर चलाते हैं। अब पहले क्या होता था दोस्तों, जब बरसात के मौसम में ही हम सिंचाई करते थे, लेकिन अब हमें गर्मियों के मौसम में भी पानी की ज़रूरत होती है तो हम ट्यूबवेल लगाते हैं और इंजन लगाते हैं और उससे पानी निकाल लेते हैं, या फिर हम बड़े बड़े बांध बना लेते हैं जिससे हम हर मौसम में सिंचाई कर सकते हैं, और उस बांध से हम नहरें निकालते हैं, नदियां निकालते हैं, उनसे सिंचाई करते हैं। ओके, तो मानव क्या है, मानव अब पर्यावरण में अपने अनुसार परिवर्तन करता है, अपनी नीड्स को फुलफिल कर लेता है उसमें परिवर्तन करके। ओके, तो इसमें यही बताया गया है। अब इसमें बताया गया स्टार्टिंग में मनुष्य था, उसने पहले क्या किया, फसल उगाना स्टार्ट किया, फिर पशुपालन स्टार्ट किया, साथ में स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, और हल्के हल्के जैसे पहिए का आविष्कार होने लगा, और फिर वो व्यापार वाणिज्य स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में वस्तु विनिमय पद्धति उसने स्टार्ट की, वस्तु विनिमय पद्धति, इसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और चीज़ें पढ़ेंगे उसमें भी आपको वस्तु विनिमय पद्धति यानी कि बार्टर सिस्टम के बारे में पता चलेगा। बार्टर सिस्टम क्या है दोस्तों, इसमें करेंसी नहीं होती, करेंसी की जगह पर क्या होता है, अगर दो लोग हैं दोस्तों तो दो लोगों में दोनों के पास अपना अपना सामान होता है। ओके, जैसे मान लेते हैं एक इंसान के पास 1 kg टमाटर है, दूसरे के पास 1 kg दाल है। ओके, तो इसके पास जो टमाटर है ये कहेगा भाई आप अपने टमाटर जो हमारे टमाटर आप ले लीजिए और हमें चावल दे दीजिए। ओके, तो इससे दोनों की जो नीड होती है वो फुलफिल हो जाती है। ओके, तो बार्टर सिस्टम यही होता है कि आप अपना सामान दे दीजिए और दूसरे का ले लीजिए, इसमें करेंसी या फिर ऐसी मुद्रा होती है ये काम नहीं करती है। ओके, गांव में भी अभी भी कुछ जगह आपने देखा होगा कि वो लोग कुछ अनाज देते हैं और बदले में कुछ ले लेते हैं। ओके, तो वही एक तरह से बार्टर सिस्टम है। अब देखिए इसमें बताया कि लेकिन बाद में क्या हुआ, सूचना क्रांति, परिवहन के कारण सब कुछ अच्छे से हुआ, और फिर बाद में सूचना क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इससे बहुत तेज विकास हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक बताया गया, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, कि जैसे जैसे मौसम बदलता है उसके अनुरूप हम कुछ अपने आप में परिवर्तन करते हैं। जैसे कि अब हम लोग गर्मी का मौसम आ गया है तो हम लोग अभी सूती कपड़े पहनते हैं। ओके, और जब ठंड का मौसम आता है तो हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं।
अब देखिए, इसमें बताया गया है कि जो पर्यावरण होता है वो हमारे हर चीज़ पर प्रभाव डालता है, जैसे कि हमारे पहनावे पर, हमारे घरों पर। अगर आप लोग जैसे राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर घर होंगे वो ऐसे होंगे कि गर्मियों से बचने के लिए मोटी मोटी दीवारें बनाई गई होंगी। आप मिज़ोरम जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं जहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था हो, निकास की, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो आराम से बारिश हो, तो वहाँ पर जमाव ना हो और घर से आराम से पानी निकल जाए। ओके, इसी तरह आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं जिससे ठंड और बर्फ़ से बचाव हो सके। यानी कि हर चीज़ पर जो हमारे पर्यावरण का है वो कहीं ना कहीं प्रभाव अभी भी पड़ता है। तो इसमें यही बताया गया है ये सारी चीज़ें। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए अब ऑब्जेक्टिव पे आप इनको ज़रूर लगाइए और लगाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर आप पढ़ते हैं फिर इन्हें लगाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, आपको समझ में आता है कि हमने क्या पढ़ाई किया, स्किप कर दिया है और हमें क्या पढ़ना चाहिए था। ओके, तो इन सारी चीज़ों को लगाने की ज़रूर कोशिश कीजिए। एक लाइन, दो लाइन, जितना आप लिख सकें उतना लिखिए, और अगर आप ज़्यादा लिख सकते हैं तो ज़्यादा लिखिए। ओके, जैसे कि इसमें मैं एक दो ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक जो परितंत्र है वो नहीं है? ओके, तो ये ताल नहीं है। ओके, इसी तरह इसमें दूसरा दिया गया है, निम्न में से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? धर्म, समुदाय, ये दोनों दोस्तों हैं, स्थल नहीं है। ओके, इसी तरह तीसरा दिया रखा है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? ओके, तो इसमें बताना पड़ेगा कौन सा मानव के द्वारा बनाया जाता है, पहाड़, समुद्र और सड़क। तो सड़क इसमें ज़्यादा सही लग रहा है, तो सड़क है दोस्तों। इसी तरह निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और फसल वृद्धि। तो सबसे ज़्यादा घातक कौन हो सकता है? जनसंख्या वृद्धि। ओके, अब देखिए हम लोग नीचे चलते हैं। ये आप ऑब्जेक्टिव भी लगा, सॉरी, जो सही मिलान है ये भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए हम लोग नीचे आते हैं। अब इसमें जो हमारा सेकंड चैप्टर है इसमें बताया गया है कि हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी अंदर की संरचना कैसी है, उन्हें हम कैसे डिवाइड करके देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। ओके, इस चैप्टर में, और ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और इसमें बताया गया दोस्तों कि आप इस डायरेक्शन में सोचिए कि क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और एक किस पदार्थ से बनी है। तो यानी कि इसमें यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सोचिए कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, वो किससे बना है और कैसा है। ओके, तो इसमें यही बताया गया है, जो हमारी पृथ्वी है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, हमारी पृथ्वी को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं मेनली। तो एक ए परत हो गई और एक ए परत हो गई और एक ए हो गई। ओके, तो ये थ्री लेयर्स हैं, जो फर्स्ट लेयर ए है, सेकेंड लेयर ए है और थर्ड लेयर ए है। ओके, तो जो फर्स्ट लेयर है इसके लिए परपट्टी या फिर इसके लिए क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ओके, इसको क्रस्ट बोलते हैं। और जो सेकेंड वाली है इसको मेंटल बोलते हैं। ओके, और जो थर्ड वाली है इसके लिए कोर बोलते हैं। ओके, अब इनके लिए और भी डिवाइडेशन किया है, लेकिन हम उनके बारे में अभी नहीं पढ़ते हैं, वो हम एडवांस में पढ़ेंगे। ओके, जैसे इनर कोर, आउटर कोर, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल है, इसमें भी डिवाइडेशन किया गया है, लेकिन हम अभी वो नहीं देखते। अब इसमें बताया गया जो हमारी फर्स्ट वाली लेयर है दोस्तों, जो फर्स्ट लेयर है वो सियाल से मिलकर बनी है। ओके, किससे? सियाल से। अब ये सियाल क्या चीज़ है? तो सियाल का मतलब है सिलिका और एल्युमिनियम, ये तत्व हैं। ओके, इसी तरह मेंटल है दोस्तों हमारा, वो सीमा से मिलकर बना है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। ओके, इसी तरह जो कोर है वो नीफे से मिलकर बना है, निकिल और फेरस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रख लेनी है। अब इसी तरह हम इन परतों की मोटाई की बात करें कि कितनी गहराई तक पाई जाती हैं, तो जो क्रस्ट है दोस्तों ये आपको 35 किलोमीटर से लेकर के 5 किलोमीटर की गहराई तक मिलेगी। तो मैंने 35 से 5 क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि आप जहाँ पर महाद्वीप होंगे वहाँ पर आपको 35 किलोमीटर एवरेज यहाँ पर मोटाई दिख सकती है, लेकिन जहाँ पर महासागर है वहाँ पर आपको मोटाई कम देखने को मिलेगी, यानी कि औसतन आपको 5 किलोमीटर तक मिलेगी। ओके, इसी तरह जो मेंटल है दोस्तों ये आपको 2900 किलोमीटर तक गहराई तक आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, और इसी तरह जो कोर है दोस्तों, इसकी मोटाई की बात करें या त्रिज्या की बात करें या मोटाई की बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा लगभग में 35,000 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। ओके, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, एक इन्फॉर्मेशन मैं और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। जो हमारा क्रस्ट है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी के कुल आयतन का 1% है। ओके, इसी तरह जो मेंटल है दोस्तों, ये कुल आयतन का लगभग में 84% है। ओके, और जो कोर है वो कुल आयतन का, जो हमारी पृथ्वी है
उसके कुल आयतन का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 15%। ओके, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद कर लेनी है। इन्हीं से अब यही है जो टोटल पूरे आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। ओके, जैसे इसमें डायग्राम दिया रखा है दोस्तों, तो इसमें बताया गया जो प्रॉपर्टी है, मैंने इसकी बात की थी अभी, मेंटल और कोर। ओके, अब इसमें कोर को दो भागों में बांट दिया गया है कि बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ओके, अब सेम इसमें यही चीज़ है कि सीमा सियाल सब कुछ यही बताया गया है। 35 से 5 किलोमीटर आप देख सकते हैं कि इसमें भी यही बताया गया है, और सियाल सीमा आपको टोटल वही चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी कि जो हमारा मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक की गहराई पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी त्रिज्या है 35,000 किलोमीटर है, जो अभी मैंने बताया था जो कोर है उसकी जो त्रिज्या है वो लगभग में 35,000 किलोमीटर तक है। और जो आयतन मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये गलत दिया रखा है, ये 0.5% नहीं है, यहाँ पर 1%। ओके, तो आप यहाँ पर सही कर लीजिए। और जो हमारी जो त्रिज्या है दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए 6371। आपको ये हमें हर जगह अलग अलग मिलेगी, आपको कहीं पर 71 मिलेगी, कहीं पर 70 मिलेगी, कहीं पर आपको 74-75 भी मिल सकती है। तो जो 2-4 किलोमीटर है दोस्तों वो आगे पीछे चलता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी हम जानते हैं हर जगह पर एक जैसी नहीं है। अगर आप लोग कहीं पर आप देखेंगे तो मैदान है, तो कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर घाटियां हैं, कहीं पर समुद्र है, तो इसी वजह से ये थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। ओके, तो आप सारी बुकों में देखेंगे तो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप कंफ्यूज ना होइए, आपको जो भी डाटा मिलता है वो आप लगा दीजिए वहाँ पर। ओके, तो आपको वो सही माना जाएगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया रखा है, सेल एवं खनिज। ओके, तो सेल किसे कहते हैं, हम उसकी पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सेल होती है दोस्तों जो खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड होते हैं, उन्हें ही सेल कहते हैं। ओके, अब देखते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या दिया रखा है। तो इसमें बताया गया जो हमारी पृथ्वी की परपट्टी है, यानी कि जो क्रस्ट है, वो विभिन्न प्रकार के सेलों से मिलकर बनी है। ओके, अब यहाँ पर सेल की डेफिनेशन दी है कि खनिज पदार्थों के, ये देखिए एक की पॉइंट है, खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड को ही सेल कहते हैं। अब देखिए, एक आपको ध्यान रखना है खनिज पदार्थ और दूसरा प्राकृतिक पिंड। ओके, तो खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में किसी तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आपको ये दो की पॉइंट है, आपको ये स्किप नहीं करने हैं। ओके, अब इसमें बताया गया जो सेल होती है वो विभिन्न रंगों आकार और गठन की हो सकती है। ओके, अब इसमें बताया गया कि जो सेल होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब नंबर 1 होती है जो इग्नियस होती है, जिसको हिंदी में अग्नीय चट्टान कहते हैं। दूसरी सेडिमेंटरी होती है, जिसको अपसादी चट्टान बोलते हैं। तीसरी मेटामॉर्फिक या कायांतरित, इसको हिंदी में बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको ये अलग से एक इनबॉक्स में बताया गया है, ये देखिए इनबॉक्स में बताया गया है कि इग्नियस रॉक, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो दोस्तों लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। इसी तरह आप सेडिमेंटरी का भी देख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है स्थिर, और मेटामॉर्फिक का भी आप देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है रूप में परिवर्तन। ओके, अब देखिए हम इसमें आपको बहुत सारी यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें बता देता हूँ। जैसे जो इग्नियस रॉक होती है, इसको प्राइमरी रॉक या प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। ओके, अब जो अग्नीय चट्टान होती है, ये 2 प्रकार की हो सकती है। अब अग्नीय चट्टान जो होती है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है वो सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है। ओके, हमारी पृथ्वी के नीचे मान लेते हैं कि ये मैग्मा है। मैग्मा क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं उनका पिघला हुआ रूप ही मैग्मा होता है। ओके, ये मैग्मा है। अब ये मैग्मा है, अगर ये पृथ्वी के अंदर ही जम जाए, ओके, पृथ्वी के अंदर ऐसे जम जाए, तो इसको बोलेंगे आंतरिक अग्नीय चट्टान। और यही मैग्मा दोस्तों पृथ्वी के ऊपर आकर के जमे, जो परत को तोड़ के अगर ऊपर आ जाए और जम जाए और किसी भी स्थलाकृति का निर्माण करता है, तो इसको बोलते हैं बाह्य अग्नीय चट्टान। ओके, क्या बोलते हैं, बाह्य अग्नीय चट्टान। ओके, ये आंतरिक अग्नीय चट्टान, ये बाह्य अग्नीय चट्टान। अब क्या होता है दोस्तों, यही चट्टान, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक या प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। यही चट्टान, इसका टूट फूट होकर के अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा जब ये अपसादों में परिवर्तित हो जाती है, अब अपसाद होते हैं वो कहीं जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, और फिर बाद में वो कंप्रेस होकर के एक चट्टान का निर्माण कर देते हैं, तो इसी के लिए अपसादी चट्टान या सेडिमेंटरी रॉक बोलते हैं। ओके, अब ये दोनों चट्टानें होती हैं, ये भी आपस में चेंज हो जाती हैं। आप देखिए नीचे इसमें बहुत अच्छे से डायग्राम दिया रखा होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, अब देखिए इसमें जो मैंने अभी इन्फॉर्मेशन बताई थी वही सारी दी गई है कि जब द्रवित मैग्मा होता है, जब वो परत के ऊपर आता है या फिर पृथ्वी के अंदर होता है,
जब वो ठंडा हो जाता है और चट्टान का रूप ले लेता है तो इसी को प्राथमिक चट्टान या अग्नि चट्टान के नाम से जानते हैं। और ये दो तरह की होती है, एक बाहिर्भेदी और एक जो अंतर्भेदी। ओके, बाहिर्भेदी मतलब जब मैग्मा होता है वो बाहर आ करके जम जाता है तो उसे बाहिर्भेदी बोल देते हैं, और अंतर्भेदी होता है जब वो हमारी पृथ्वी के परतों के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उसे अंतर्भेदी अग्नि चट्टान के नाम से जाना जाता है। ओके, अब इसमें यही उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि जो बसाल्ट है, बसाल्ट है वो उदाहरण है बाह्य अग्नि चट्टान का, और इसी तरह जो हमारा ग्रेनाइट है वो है आंतरिक अग्नि चट्टान का। अब इसमें बताया गया जो भी मैग्मा होता है दोस्तों, जब वो पृथ्वी के ऊपर आकर के ठंडा होता है तो उसमें जो रबे के साइज होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई भी मैग्मा है वो पृथ्वी के ऊपर आकर के जब आएगा और ठंडा होगा तो उसमें रबे का साइज छोटा होगा। रबे क्या होते हैं, मान लेते हैं ये चट्टान है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये चट्टान है। अब इसमें जब ये ठंडी होगी तो इसमें ऐसे छोटे छोटे ब्लॉकेज पड़ते हैं, तो रबे का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों ये आर पास छेद है, छेद नहीं दोस्तों, ब्लॉक हैं, जैसे कि ये इसमें ब्लॉक पड़ जाते हैं ऐसे छोटे छोटे। लेकिन यही जब मैग्मा होता है ये पृथ्वी के अंदर ठंडा होता है, जब ये पृथ्वी के अंदर ठंडा होगा तब इसमें ये ब्लॉक होंगे दोस्तों, ये बड़े बड़े पड़ते हैं, इसमें रबे का साइज होगा वो बड़ा बड़ा होगा। ओके, अब जिसका रबे का साइज बड़ा बड़ा होता है उन्हीं पत्थरों का प्रयोग किया जाता है अपघर्षण के लिए। अपघर्षण मतलब आपने कभी आटा चक्की देखी होगी या फिर कूटने पीसने की कोई भी चक्की होती है, उनमें इन्हीं पत्थरों का यूज किया जाता है। ओके, जो सिल होते हैं वो भी इसी के बने हुए होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया, जो हमारा डेक्कन का पठार है दोस्तों वो भी बसाल्ट से ही निर्मित है। ओके, अब देखिए, अब इसमें बताया गया जो हमारी जो अपसादी चट्टान है उनका निर्माण कैसे होता है। यही जो अग्नि चट्टान होती हैं ये टूटती फूटती हैं और छोटे छोटे कणों में ऐसे परिवर्तित हो जाती हैं, और इनका स्थानांतरण होता है और कहीं जाकर के ये जमा हो जाती हैं। जमा होने के बाद दोस्तों इन पर प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो सीमेंटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तब ये अपसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। ओके, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपसादी चट्टान होती है इन्हीं में जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे कि आपको जीवाश्म का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोयला हो गया, ओके, कोयला, तेल या किसी भी तरह के जो जीवाश्म होते हैं वो केवल अपसादी चट्टानों में ही देखने को मिलेंगे और किसी चट्टान में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, जो जीवाश्म होते हैं वो सिर्फ अपसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इसका निर्माण होता है जब ये टूटते फूटते हैं दोस्तों और ये कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं, इनका स्थानांतरण होता है, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ जानवर हो वो मर गए हो या पेड़ पौधे इसके नीचे दब जाते हैं। जब ये दब जाते हैं तो एक बहुत लंबा समय हो जाता है, तो यही पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं ये जीवाश्म में बदल जाते हैं। ओके, किस में बदल जाते हैं, जीवाश्म में बदल जाते हैं। अगर इसमें पादप होते हैं, अब मैं यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, अगर पादप होते हैं मतलब पेड़ पौधे इसके नीचे दब जाएंगे तब किसका निर्माण होगा दोस्तों, कोयले का निर्माण होगा। ओके, किसका निर्माण होगा, कोयले का। लेकिन इसकी जगह पर जो जीव जंतु होते हैं दोस्तों, जो जीव जंतु इसमें अगर दब, तब इससे तेल और गैस का निर्माण होता है। ओके, तब आप समझ गए होंगे कि कोयले और तेल का निर्माण कैसे होता है। जीव होते हैं उनसे तेल का निर्माण होता है, और जो पादप होते हैं उनसे कोयले का निर्माण होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग चलते हैं, जो कायांत्रिक चट्टान होती है वो क्या होती है। ओके, कायांत्रिक चट्टान होती है जब अपसादी चट्टान और अग्नीय चट्टान होती है इनके ताप और दाब में परिवर्तन आता है, तब इनकी जो संरचना होती है और संगठन होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है और वो उसमें बदल जाती है। जैसे कि आप, अगर आपने टाइल्स आपके घरों में लगी हुई होंगी वो भी दोस्तों कायांत्रिक चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि जो हमारा ताजमहल है वो संगमरमर से मिलकर बना है। ओके, तो संगमरमर किससे बनता है दोस्तों, वो मेटामॉर्फिक रॉक या फिर कायांत्रिक चट्टान होती है उससे मिलकर बना है। और जो हमारा लाल किला है दोस्तों, जो दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, ये लाल किला लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना है। ये लाल बलुआ पत्थर क्या है दोस्तों, ये अपसादी चट्टान है। ओके, ये अपसादी चट्टान है और एक कायांत्रिक चट्टान है। ओके, अब देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर रॉक साइकिल दिखाया गया, सेल चक्र। तो सेल चक्र किसे कहते हैं, जब रॉक्स होती हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं तो उसी के लिए रॉक साइकिल बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसमें दिखाया गया है जो मैग्मा है वो अग्नि चट्टान में परिवर्तित होता है। अब यही अग्नि चट्टान
जब इसमें टूट फूट होते हैं, ये देखिए यहाँ पर अपसाद दिखाया गया, टूट फूट होने के बाद में सीमेंटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, या अपसादीकरण हिंदी में बोल सकते हैं, अपसादीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो इससे अपसादी चट्टान या फिर अपसादी सेल का निर्माण होता है। ओके, अब ये अग्नि चट्टान है वो डायरेक्ट कायांतरिक चट्टान में भी परिवर्तित हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो आपको ये नहीं पता होगा। कभी भी जो मैग्मा होता है, मैग्मा से डायरेक्ट कायांतरिक चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंटरी रॉक नहीं बन सकती। ओके, इससे सबसे पहले बनती है अग्नीय चट्टान, इग्नियस रॉक बनती है, इसीलिए इसे प्राइमरी रॉक या प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी इग्नियस रॉक से इन दोनों का निर्माण होता है। ओके, तो कभी भी मैग्मा है दोस्तों, जो मैग्मा है वो डायरेक्ट कायांतरिक चट्टान या फिर अपसादी चट्टान में नहीं परिवर्तित हो सकता है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। इसको तब अगर आपने ठीक से इसको नहीं सुना है तो दोबारा से बैक करके सुन लीजिए, वरना आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। ओके, तो मैग्मा कभी भी कायांतरिक तो अपसादी चट्टान में डायरेक्ट नहीं परिवर्तित होता है, वो पहले अग्नीय चट्टान में होता है फिर ये दोनों में होता है, इसीलिए अग्नीय चट्टान को प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक के नाम से जाना जाता है। ओके, अब इसमें ये सारी चीज़ें यही बताई गई हैं जो मैंने अभी यहाँ पर आपको समझाई थी। ओके, अब देखिए इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको बता देता हूँ। जैसे द्रवित मैग्मा होता है, जो द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं, तो इसको अग्नीय सेल या इग्नियस रॉक बोलते हैं। ओके, तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, तो ये क्रोड है। ओके, इसी तरह सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण, तो ये क्या है दोस्तों, ये खनिज हैं। ओके, क्योंकि सोना है वो जीवाश्म नहीं है, अगर पेट्रोलियम और कोयला होता तो वो जीवाश्म हो सकता था। ओके, अब देखिए इसी तरह सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, मैंने अभी दोस्तों बताया था ना कि जीवाश्म किस में पाए जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। इसी तरह जो पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, तो परपट्टी है, क्योंकि मैंने बताया था ये 1% है, और मेंटल है ये कितनी है, ये 84% है लगभग में, और जो क्रोड है ये 15% है। ओके, तो आप इस तरह से इसका आयतन ध्यान रख सकते हैं, इसी तरह आप इनको भी लगा सकते हैं जो मैंने सभी बताया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, इसमें बताया गया हमारी बदलती पृथ्वी। ओके, तो इसमें बताया गया जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो परतें हैं वो कभी स्थिर नहीं रहती हैं, वो हमेशा खिसकती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि कुछ मिलीमीटर को सेंटीमीटर ही खिसकती हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। ओके, कभी कभार भूकंप आता है और बहुत सी प्रक्रियाएँ होती हैं वो इन्हीं के कारण होती हैं। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे जो हमारी ये पृथ्वी है, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है इसकी जो ऊपरी परत है उनमें परिवर्तन होता है, तो किसी भी परिवर्तन के लिए हमें किसी फोर्स या बल की ज़रूरत पड़ती है। आखिर ये बल कहाँ से लग सकता है, तो ये एक बल या तो पृथ्वी के अंदर की परतों से लगेगा या फिर ये पृथ्वी के बाहर से लगेगा। ओके, जो अंदर से लगेगा तो इसीलिए इसको अंतर्जात बल बोल देते हैं, और जो बाहर से लगता है उसे बहिर्जात बल बोल देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ये दोनों बल कैसे लगते हैं और कैसे कार्य करते हैं और पृथ्वी के स्वरूप में कैसे परिवर्तन करते हैं। ओके, तो इसमें देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि स्थलमंडल अनेक प्लेटों से मिलकर बना है। आखिर ये प्लेट क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो दोस्तों हमारा स्थलमंडल है वो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ओके, ये मान लेते हैं ये पृथ्वी का ऊपर का जो आपको दिख रहा है यही स्थलमंडल है। तो स्थलमंडल है दोस्तों ये कई खंडों में डिवाइडेड है, मतलब टूटा हुआ है इस तरह से, कई भागों में टूटा हुआ है, छोटे बड़े भागों में टूटा हुआ है। तो जो इसका एक खंड है दोस्तों, इसी एक खंड को प्लेट बोलते हैं, प्लेट का नाम दिया गया है। अब प्लेट शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, टूजो विल्सन ने किया था, जो हम पहले भी देख चुके हैं। ओके, अब देखिए इसमें यही बताया गया है, जो हमारा स्थलमंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसमें स्थलमंडलीय प्लेट या स्थलमंडलीय प्लेट इसे कहते हैं। ओके, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमेशा ये जो प्लेटें होती हैं वो हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष ये केवल कुछ जो मिलीमीटर होती हैं
लगभग उतना खिसकती सकती हैं। ओके, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मे में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो इसमें बताया गया कि जो हमारी पृथ्वी है वो किस तरह से मूव करती है, आप इस डायरेक्शन में सोचिए। और इसमें बताया गया कि जो मैंने अभी बताया था इस वाले जो डायग्राम में, कि किसी भी परिवर्तन के लिए कोई बल कार्य करता है, ये बल या तो अंदर से लग सकता है या बाहर से लग सकता है। ओके, तो इसीलिए इसको एंडोजेनिक फोर्स या फिर एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम काफ़ी अच्छा दिया रखा है कि पृथ्वी की गतियाँ, इसमें बताया गया है कि जो पृथ्वी की गतियाँ होती हैं वो दो तरह से हो सकती हैं, एक आंतरिक बल के कारण और बाहर बल के कारण। आंतरिक बल को भी दो भागों में बांट के करके हम देख सकते हैं, एक आसमिक बल होता है जिसको सडन फोर्स बोलते हैं, दूसरा पटल विरूपण होता है। पटल विरूपण होता है जो बहुत ही हल्के स्लोली स्लोली हमेशा चलता रहता है। ओके, अब देखिए जो आकस्मिक बल होता है, सडन बल होता है, उसमें आता है जैसे कि भूकंप अचानक आता है और बहुत बड़ी तबाही मचा जाता है। ओके, ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी जहाँ पर होंगे तो वहाँ पर आपको ज्वालामुखी पर्वत कटक और बहुत सी संरचनाएँ देखने को मिलेंगी। और इसी तरह जो भूस्खलन होता है, ये पर्वतीय क्षेत्र में आपको ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा, कि बहुत बड़ी मात्रा में जो मलबा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह आता है और डंप हो जाता है और स्थल स्वरूपों में काफ़ी परिवर्तन कर